जी स्क्रीन शेयर हो रही? यस सर। आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स। हमारे आज के टॉपिक में कौन कौन सी हेडिंग्स हैं? न्यूरोपैथीज हैं, अवास्कुलर नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोपैथीज। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज रेफर्स टू अ प्रॉब्लम विद द पेरिफेरल नर्व्स। These nerves send messages from the central nervous system to the brain, the spinal cord, to the rest of the body. ठीक है, peripheral neuropathy में क्या होता है कि जो peripheral nerves हैं, ठीक है, peripheral nerves में कौन सी nerves आ जाती हैं कि वो nerves जो या brain और spinal cord से जो messages को हमारी body की तरफ send कर रही हैं, या हमारी body से messages को brain या spinal cord की तरफ send कर रही हैं, उन नर्व्स की अगर उन नर्व्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। पेरिफेरी में जो नर्व्स या तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को पेरिफेरल टिश्यूज तक लेके जा रही हैं, या पेरिफेरल टिश्यूज से सेंसेशंस को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ लेके आ रही हैं, उनको पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। और उनके अंदर अगर कोई पैथोलॉजी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का नाम देते हैं। सिम्टम्स, अब उसकी अलामत क्या होंगी? टिंगलिंग एंड नंबनेस। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में टिंगलिंग होगी, नंबनेस होगी। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसके हाथ पांव पे जैसे कीड़ियां चल रही हों, इस तरह की उसको सेंसेशन आएगी। पिंस एंड नीडल्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी। पेशेंट कंप्लेन करेगा, उसको इस तरह फील होता है जिस तरह पिन या नीडल की मदद से उसके वो स्पेसिफिक पोर्शन को उस जगह पे कोई जैसे पिन मार रहा हो या नीडल्स लग रही हो, ठीक है, इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी सिचुएशन होगी उस एरिया की, जिस एरिया में पेरिफेरल न्यूरोपैथी चल रही होगी। इंक्रीज्ड पेन और इनएबिलिटी टू फील पेन। जिस एरिया में प्रॉब्लम होगी उस एरिया की या तो पेन सेंसेशन इंक्रीज हो जाएगी या बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर पेन सेंसिटिव जो रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स अगर वो इन्वॉल्व होंगे, या तो उसकी उन रिसेप्टर्स की वजह से पेन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर वो अगर रिसेप्टर अपना काम छोड़ गए हैं तो पेशेंट जो है वो पेन को फील करना छोड़ देगा, इवन कि उस जगह पे कट भी लग जाए तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा। ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज इन हीट एंड कोल्ड। इसमें और अगर हीट और कोल्ड रिसेप्टर्स जो हैं, हीट और कोल्ड को जो सेंस करते हैं जो रिसेप्टर्स, अगर उनमें कोई डिफेक्ट आ गया, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो पेशेंट जो है वो ठंडे और गर्म में फ़र्क नहीं कर सकेगा। उसको उसके सामने अगर फॉर एग्जांपल वो किस चीज़ को टच करता है वो ये नहीं बता सकेगा कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म। फॉर एग्जाम्पल वो किसी हॉट चीज़ को टच करता है तो उसको जो हीट होगी वो फील नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि जो हीट के रिसेप्टर्स हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं वो काम नहीं कर रहे। इवन कि उसका हाथ जल जाएगा या उसका पांव जल जाएगा, उसको फिर भी फील नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह कोल्ड को भी वो फील नहीं कर सकेगा। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्रॉपर रिसेप्शन। उसके अलावा जो पेशेंट होगा वो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जिस वक्त हम चलते हैं तो हमारे जो लिम्ब्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, ये नहीं है जिस टाइम पे हम चल रहे होते हैं, ये नहीं है कि दोनों जो हमारे लेग्स हैं हम एक ही टाइम पे दोनों को उठा लें और चल पड़े। ठीक है, अगर हम चलना चाहते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू, एक स्पेसिफिक जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन अगर हमारे लिम्ब्स के दरमियान होगी तभी हम वॉक कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम कोई कुछ बोलना चाहते हैं, अगर मेरे टंग के मसल्स जो हैं वो मेरे जॉ के मसल्स के साथ, जो मेरे जॉ के साथ या मेरे ओरल कैविटी के जो मसल्स हैं, उसके अलावा मेरे वोकल्स के जो मसल्स हैं उनके साथ अगर वो कोऑर्डिनेट करेंगे तो ही मैं किसी चीज़ को सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकूंगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लफ्ज़ों की समझ इस वजह से आ रही है क्योंकि मेरे टंग के जो मसल्स हैं, मेरे वोकल्स के जो मसल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो एक प्रोप्रिएट जो वॉइस है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी तो ये प्रॉपरली अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आवाज़ तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लेकिन उस आवाज़ को कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि उस आवाज़ की किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक है, प्रोप्रिसेप्शन, सेंस, इस चीज़ को सेंस करना कि पेशेंट किस पोजीशन में है, लाइंग पोजीशन में है या क्या कहते हैं कि
सिटिंग पोजीशन में है, किस पोजीशन में बैठा हुआ है, अपने पोजीशन को उस एरिया के अंदर सेंस करना, उसको प्रोप्रोसेप्शन का नाम देते हैं. बर्निंग, स्टैबिंग और शूटिंग पेन्स विच मे बी वर्स एट नाइट. इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से बर्निंग पेन हो सकती है. स्टैबिंग, बर्निंग का आप लोगों को आइडिया है, स्टैबिंग का मतलब है जब कोई चीज़ किसी को कोई शार्प ऑब्जेक्ट के साथ किसी को कोई मारा जाए, ठीक है, जिसमें जो डेप्थ है वो ज़्यादा हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लेंथ, यानी कि जो वुंड होगा उसकी जो डेप्थ हो ज़्यादा हो, उस तरह की जो पेन होगी ना, किसी को स्टैब करने वाली पेन, उस तरह की पेन सेंसेशन हो सकती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में. यानी कि इसमें एक्चुअल में कोई बंदा स्टैब नहीं कर रहा है, या एक्चुअल में कोई बंदा किसी को जला नहीं रहा, लेकिन सिर्फ उसको सेंसेशंस हो रही हैं बिकॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, जैसे कोई स्टैब कर रहा हो, या जैसे उसका हाथ जल रहा हो या उसका पाँव जल रहा हो, और शूटिंग पेन, ठीक है, विच मे बी वर्स एट नाइट. और ये इस तरह की जो पेन होती है वो नाइट टाइम पे वर्स हो जाएगी. इट कैन ऑल्सो लीड टू फुट एंड लेग अल्सर्स. इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से फुट और लेग अल्सर हो सकते हैं, इन्फेक्शन एंड गैंग्रीन हो सकती है, ठीक है. ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर पेशेंट पेन सेंसेशन की एबिलिटी जो है वो खो देगा, पेशेंट पेन को फील नहीं कर सकेगा, तो उसके फीट के ऊपर अगर छोटा सा कोई ज़ख्म हो गया, या उसकी लेग के ऊपर अगर कोई छोटा सा ज़ख्म हो गया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ज़ख्म हुआ है या नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि पेन होती है तो हमें पता चलता है कि हमारे फलां जगह पे कोई चोट लगी है, हमें फलां जगह पे कोई ज़ख्म हुआ है, ठीक है, कोई हमें फलां जगह पे आके कोई चीज़ लगी है, ठीक है. जब पेशेंट को फील ही नहीं होगा तो पेशेंट उस जगह की केयर नहीं करेगा, जब उस जगह केयर नहीं करेगा तो उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फेक्शन की वजह से उस जगह पे गैंग्रीन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? क्लियर सर. समझ आ रही है? एक मिनट बस. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है. उसके बाद कॉजेज हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, हमने सिम्टम्स देख लिए हैं, ठीक है, सिम्टम्स के बाद उसकी कॉजेज कौन कौन सी हैं. डायबिटीज़ मेलिटस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, इंजरी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जब किसी चोट की वजह से कोई इंजरी हो जाए उसकी वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन की सूरत में हो सकती है, और उसके अलावा GBS, Guillain-Barré सिंड्रोम में हो सकते हैं. GBS में क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट द नर्वस टिश्यूज़, ठीक है, तो वो ऑटो एंटीबॉडीज़ जाके उन टिश्यूज़ को, नर्वस टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं. Guillain-Barré सिंड्रोम अफेक्ट्स द नर्व्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. उसके अलावा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स को भी डैमेज करेगा. डायबिटिक न्यूरोपैथी, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज डायबिटीज. अराउंड 60-70% ऑफ पीपल विद डायबिटीज हैव सम डिग्री ऑफ न्यूरोपैथी. जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर वो डायबिटीज का पोअर कंट्रोल होगा उनका, ठीक है, तो उनके अंदर जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं. अराउंड 60-70% ऑफ पीपल विद डायबिटीज हैव सम डिग्री ऑफ न्यूरोपैथी, यानी कि 60-70% जो लोग होंगे, अगर 100 पेशेंट्स को लिया जाए उसमें से 60-70 पेशेंट्स में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत न्यूरोपैथी लाजमी चल रही होती है, कुछ में ज़्यादा चल रही होगी, कुछ में कम हो गई. हाई ब्लड शुगर लेवल कॉजेज डैमेज टू द वॉल्स ऑफ द टाइनी ब्लड वेसल्स that supply oxygen and nutrients to the nerves in the ends of the hands and feet and the essential organs in the body such as eyes, kidneys and heart. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से क्या होगा कि जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि
स्पेसिफिक ऑर्गन्स में जो नर्व्स नर्व्स को सप्लाई कर रही होती हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रही होती हैं, उन वेसल्स को डैमेज करेगा। जब उन वेसल्स को डैमेज करेगा तो वो नर्व्स जो होंगे उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से वो नर्व्स जो होंगे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाले जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये किस किस जगह पे आपको मिल सकती है? हैंड्स में मिल सकती है, फीट्स में मिल सकती है, ठीक है, उसके अलावा आईज में मिल सकती है, किडनी में मिल सकती है और हार्ट में मिल सकती है। यही डायबिटीज के टारगेट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, पेशेंट को हैंड और फीट पे नॉन हीलिंग अल्सर बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है कि आईज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, किडनीज में डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, हार्ट में क्या है साइलेंट AMI हो सकता है। ठीक है, MI वैसे हो तो पेशेंट सीवियर पेन की कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल में आता है, लेकिन डायबिटिक में पेशेंट को पेन ही नहीं होगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक होगा लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि उसकी जो पेरिफेरल नर्व्स होंगी वो डैमेज हो चुकी होंगी, पेशेंट को पेन फील ही नहीं होगी और वो उसको हार्ट अटैक होगा। अगर तो हार्ट अटैक माइल्ड होगा तो मे बी वो सर्वाइव कर जाए, अगर वो हार्ट अटैक सीवियर होगा तो पता ही नहीं चलेगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एज अ रिजल्ट नॉट ओनली द स्किन बिकम्स डैमेज बट द लॉस ऑफ सेंसेशन फर्दर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डैमेज। इसमें पेरिफेरल जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसकी वजह से स्किन डैमेज हो सकती है। ठीक है, सेंसेशंस लॉस हो सकती हैं, सेंसेशंस के लॉस होने से जो स्किन के डैमेज का जो खतरा है वो मजीद इंक्रीज हो सकता है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? क्लियर सर, यस सर, समझ आ रही है। उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकेशन सच एज गबापेंटीन एंड प्रीगबलिन 12 टू ट्रीट एपिलेप्सी मे रिलीव नर्व पेन। जो नर्वस पेरिफेरल न्यूरोपैथी की पेन होती है, ठीक है, उस पेन को ट्रीट करने के लिए गबापेंटीन या प्रीगबलिन कैन बी यूज्ड ओनली इन दैट केस अगर पेन जो है वो इंक्रीज हो गई है। कुछ में तो पेन सेंसेशन बिल्कुल चली जाएगी ना, अगर पेन सेंसेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है या पेन सेंसेशन प्रेजेंट है और वो वर्स होती जा रही, उस कंडीशन में आप ये वाली मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर पेन सेंसेशन नहीं है देन इन मेडिकेशन का कोई खतर खा यूज़ नहीं है, कोई भी इनका फ़ायदा नहीं होगा। नर्व डीकम्प्रेशन सर्जरी कैन बी यूज इफेक्टिवली टू ट्रीट द पेन एंड कम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नर्व डिकम्प्रेशन सर्जरी जो है वो इफेक्टिव है किस काम के लिए? टू ट्रीट द पेन एंड कम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, रिवर्सिंग द सिम्टम्स ऑफ नंबनेस एंड टिंगलिंग एंड इन मोस्ट केसेस प्रिवेंटिंग एम्पुटेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि नर्व डिकम्प्रेशन सर्जरी से जो उसकी सिम्टम्स आ रही होती हैं नंबनेस और टिंगलिंग की, ठीक है, पेशेंट कहेगा कि छोटी छोटी सुइयाँ चुभ रही हैं या इस तरह फील होता है कि जैसे मेरे पाँव पे या हाथ पे कीड़ियाँ चल रही हैं, इस सर्जरी की मदद से ये वाले जो अलामत हैं वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा लिम्प एम्पुटेशन के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नर्व डीकम्प्रेशन सर्जरी के बाद उसकी जो सेंसेशंस हैं वो बेटर हो जाएंगी तो पेशेंट को अगर कोई थोड़ा बहुत कोई चोट वगैरह लगेगी तो उसकी सेंसेशंस इंटैक्ट होंगी। ठीक है, जब सेंसेशंस इंटैक्ट होंगी तो वो उस वुंड की केयर करेगा तो उसकी वजह से वो वुंड जो है वो मजीद आगे डैमेज नहीं होगा। तो जब वुंड डैमेज नहीं होगा तो उसकी वजह से फिर आगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वेट गैंग्रीन हो सकती है और उसके अलावा गैस गैंग्रीन हो सकती है डायबिटीज में, वो इसी वजह से क्योंकि वो पेशेंट केयर नहीं करता, केयर ना करने की वजह से वो आगे प्रॉब्लम इंक्रीज होती जाती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से। नेक्स्ट है अवास्कुलर नेक्रोसिस। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। अवास्कुलर नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ द बोन टिश्यू टू अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अवास्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि बोन टिश्यूज की डेथ हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से बोन टिश्यूज की डेथ होगी। ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टियोनेक्रोसिस, इसको ऑस्टियोनेक्रोसिस का नाम भी दिया जाता है। अवास्कुलर नेक्रोसिस एंड ऑस्टियोनेक्रोसिस आर द सेम थिंग। ठीक है, अवास्कुलर नेक्रोसिस कैन लीड टू टाइनी ब्रेक्स इन द बोन। अवास्कुलर नेक्रोसिस की वजह से बोन के अंदर टाइनी ब्रेक्स आ जाएंगे एंड द बोन्स इवेंचुअली कोलैप्स, और जो बोन होगी वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स हो जाएगी यानी कि टूटना स्टार्ट हो जाएगी। द ब्लड फ्लो टू अ सेक्शन ऑफ बोन कैन बी इंटरप्टेड इफ बोन इज फ्रैक्चर्ड और ज्वाइंट बिकम्स डिसलोकेटेड। जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो
टू अ सेक्शन ऑफ द बोन, यानी कि एक सेक्शन का जो ब्लड फ्लो है अगर उसमें कोई इंटरप्शन आ जाए, किसी वजह से उस ब्लड फ्लो के अंदर कोई रुकावट आ जाए, तो उस वजह से क्या होगा, इफ द बोन इज फ्रैक्चर्ड और जॉइंट बिकम्स डिसलोकेटेड, या किस वजह से हो सकता है अगर उस बोन में कोई फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर की वजह से या तो वो वैसल कट सकती है या उस वैसल की कंप्रेशन हो सकती है, या अगर वैसल कट गई तो भी उसका जो डिस्टल एंड होगा उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वैसल कट गई है, ठीक है। उसके अलावा कंप्रेशन की वजह से नीचे वाला जो पोर्शन होगा डिस्टल पोर्शन उसकी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। इसी तरह जॉइंट डिसलोकेशन में भी क्या हो सकता है, कंप्रेशन की वजह से जो डिस्टल एंड है उसकी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से अवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है या ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। सिम्टम्स इसके क्या होंगे अवास्कुलर नेक्रोसिस के, इट्स इन इट्स अर्ली स्टेज अवास्कुलर नेक्रोसिस टिपिकली कॉजेज नो सिम्टम्स, अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं आपको मिलेंगे। हाउएवर एज द डिजीज प्रोग्रेसेस इट बिकम्स पेनफुल, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी ये वाला जो प्रॉब्लम होगा पेनफुल होता जाएगा। एट फर्स्ट यू मे एक्सपीरियंस पेन व्हेन यू पुट प्रेशर ऑन द अफेक्टेड बोन, स्टार्ट में क्या होगा कि जब भी पेशेंट खड़ा होने की कोशिश करेगा, ठीक है, लोअर लिम की बात कर रहा हूँ या कोई भी अपर लिम की बोन है, अगर उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा तो प्रेशर डालते वक्त उस टाइम पे उसको पेन होगी, वैसे पेन नहीं होगी, ठीक है, जब प्रेशर डालेगा उस वक्त पेन होगी। देन द पेन मे बिकम मोर कॉन्स्टेंट, और आहिस्ता आहिस्ता वो पेन जो होगी कॉन्स्टेंट होती जाएगी, कोई प्रेशर वगैरह कोई काम भी नहीं कर रहा, रेस्ट में भी उसको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट में क्या है कि जिस टाइम पे उस लिम्ब के साथ कोई काम करने लगा है उस टाइम पे पेन होगी, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो पेन जो है वो कॉन्स्टेंट हो गई, ठीक है, जैसे जैसे वो नेक्रोसिस ऑस्टियोनेक्रोसिस जो है प्रोग्रेस करता गया उस टाइम पे वो रेस्ट में भी उसको पेन होगी। इफ़ द डिजीज प्रोग्रेस एंड द बोन एंड सराउंडिंग ज्वाइंट कोलैप्स, अगर ये डिजीज मजीद प्रोग्रेस करेगी जो उसके सराउंडिंग जॉइंट है वो कोलैप्स कर जाएगा, यू मे एक्सपीरियंस सीवियर पेन दैट इंटरफेयर्स विद योर अबिलिटी टू यूज़ योर जॉइंट। और उसके बाद यानि कि अगर वो जो डिजीज प्रोसेस था वो मजीद प्रोग्रेस करता गया तो उसकी वजह से जो अफेक्टेड जॉइंट होगा वो भी कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, वो अपना काम छोड़ देगा और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो आप नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ना ही आप उस जॉइंट को यूज़ कर सकेंगे। इज़ दैट क्लियर? Yes, sir. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है अवास्कुलर नेक्रोसिस का, बोन ग्राफ्ट, जिस एरिया की अवास्कुलर नेक्रोसिस हुई है उस एरिया का जो डेड पोर्शन है उसको कट करके उस जगह पे एक बोन का न्यू पीस लगा दिया जाए, उसको बोलते हैं बोन ग्राफ्ट। उसके अलावा ऑस्टियोटोमी, डेड बोन को वहां से निकालना, ऑस्टियोटोमी, ठीक है। टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, या जिस ज्वाइंट को उसने डैमेज किया है उस जॉइंट को आर्टिफिशियल जॉइंट के साथ रिप्लेस करना। कोर डिकम्प्रेशन, कोर डिकम्प्रेशन क्या चीज़ होती है, कोर डिकम्प्रेशन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स सर्जिकल ड्रिलिंग इनटू द एरिया ऑफ डेड बोन। इसमें क्या होगा कि सर्जिकली जो डेड बोन होगी उसके अंदर ड्रिलिंग करना नियर द जॉइंट, जॉइंट के नज़दीक। दिस रिड्यूसेस द प्रेशर, अलाउज फॉर इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, इससे क्या होगा कि वहाँ का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और उस जगह के जब ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज होगा, बेटर हो जाएगा। एंड स्लोज और स्टॉप बोन एंड और जॉइंट डिस्ट्रक्शन, जब उस जगह की ब्लड सप्लाई बहाल होगी तो वो आगे मजीद जो डिस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ की जो डिस्ट्रक्शन होगी वो स्टॉप हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई जब बहाल होगी तो वो जो ऑस्टियोनेक्रोसिस का प्रोसेस जारी था वो या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल रुक जाएगा। इज दैट क्लियर? Clear, sir. Core decompression is commonly performed or performed to treat osteonecrosis. ये वाला जो process है ये commonly use किया जाता है osteonecrosis को treat करने के लिए। उसके बाद है gangrene. Gangrene is a condition that occurs when body tissue dies. इसमें क्या होगा, ये उस वक्त होती है जिस वक्त body tissue dead हो जाता है। It is caused by a loss of blood supply due to an underlying illness, इंजरी एंड और इन्फेक्शन। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू की ब्लड सप्लाई किसी भी अंडरलाइंग इलनेस, इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से स्टॉप हो जाती है या रुक जाती है। जिस वक्त उस जगह की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी या रुक जाएगी तो वो एरिया जो वो टिश्यू जो होगा वो डेड हो जाएगा। फिंगर्स, टोज एंड लिम्स आर मोस्ट ऑफन अफेक्टेड। इस गैंग्रीन में जो एंड ऑर्गन होते हैं ना, जो यानी कि
टर्मिनल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिंगर्स एंड टोज हैं, लिम्ब्स हैं, आर मोस्ट ऑफनली अफेक्टेड इन ये यान के मोस्टली अफेक्ट होते हैं, बट गैंग्रीन कैन आल्सो अकर्स इनसाइड द बॉडी। इसके अलावा जो गैंग्रीन है वो बॉडी में किसी भी जगह पे हो सकती है, यानी कि मेसेंटेरिक इन्फॉक्शन है, ठीक है, उसी तरह क्या कहते हैं कि ब्रेन की जो है वेट गैंग्रीन हो सकती है, इसी तरह जो पेंक्रियाज है उसी का पे वेट गैंग्रीन हो सकती है। अच्छा, डैमेजिंग ऑर्गन एंड मसल्स, ठीक है, ये बॉडी के किसी भी एरिया में हो सकती है, वहाँ के मसल और ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैंग्रीन एंड ऑल रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। डिफरेंट टाइप्स की गैंग्रीन है, ठीक है, और सब के लिए मेडिकल अटेंशन ज़रूरी है, अगर उनको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आगे मजीद फैलती हैं। इसमें से कुछ गैंग्रीन है जो कि बहुत रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाती हैं। गैंग्रीन इसेंशली मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड इन्वेजन ऑफ डीपर टिश्यूज विद इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैंग्रीन में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से, ब्लड सप्लाई के कट ऑफ होने की वजह से जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, और जो इन्फेक्शन होती है मजीद डीपर टिश्यूज तक जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। गैंग्रीन में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, जो गैंग्रीन है उसको दो जो मेन हेडिंग्स है उनमें क्लासिफाई किया गया, एक ड्राई गैंग्रीन और एंड सेकेंड इज वेट गैंग्रीन। देर आर सेवरल अदर टाइप्स ऑफ गैंग्रीन दैट आर रेयर, हाउएवर ऑल टाइप्स ऑफ गैंग्रीन मैनिफेस्ट आइदर एज ड्राई और वेट, ठीक है। जो मोस्टली जो गैंग्रीन की मैनिफेस्टेशन है या वो ड्राई होगी, यानी कि जिस एरिया के टिश्यूज डेड हो रहे होंगे, या तो वो ड्राई नज़र आ रहे होंगे या वेट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, तो उनके बेसिस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो टू मेजर कैटेगरी में कि ये ड्राई गैंग्रीन है, ये वेट गैंग्रीन है। इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ठीक है, स्मोकिंग, ट्रॉमा और सीरियस इंजरी, ओबेसिटी, राउनोड्स फिनोमेना, अ कंडीशन इन विच द ब्लड वेसल दैट सप्लाई द स्किन बिकम्स इंटरमिटेंटली नैरोड, ठीक है। ये मोस्टली जिस वक्त ड्यूरिंग कोल्ड, यानी कि ड्यूरिंग विंटर, जिस वक्त पेशेंट बाहर जाए, ठीक है, जिसमें ये वाला प्रॉब्लम हो, उसकी जो फिंगर टिप्स होंगी वो ब्लू हो जाएंगी। फिंगर टिप्स ब्लू क्यों होगी, क्योंकि उसके जो ब्लड वेसल्स होंगी फिंगर टिप्स को जो सप्लाई कर रही होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से उस जगह की ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से जो फिंगर्स होंगी वो पहले वाइट होंगी फिर ब्लू होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जब ब्लू होंगी उस फिनोमेना को राउनोड्स फिनोमेना का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। और उसके अलावा गैंग्रीन हो सकती है उन पेशेंट्स के अंदर जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो, डायबिटिक का भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि इस्केमिक हार्ट डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, ओबीज पर्सन जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, ठीक है। स्मोकिंग जो कर रहे होते हैं जिंदगी के जो नेक्स्ट लास्ट हाफ होता है उसमें भी उनका भी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। ये देखें, ये ड्राई गैंग्रीन है, ड्राई एंड शिवर्ड स्किन दैट चेंजेस कलर, ठीक है, इसमें आपको ड्राई स्किन मिलेगी बिल्कुल खुश्क, ठीक है, उसका जो कलर होगा वो चेंज होगा दूसरी स्किन की निस्बत। कोल्ड एंड नमनेस, कोल्ड हो सकती है या नम्ब हो सकती है, ठीक है, पेन में और मे नॉट बी प्रेजेंट, इसमें पेशेंट को पेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अगर पेन है दैट मीन्स उस एरिया की जो अभी नर्व सप्लाई है वो थोड़ी बहुत इंटैक्ट है, अगर इंटैक्ट है तो उसी वजह से उसके जो पेन रिसेप्टर हैं वो पेन को सेंस कर रहे हैं, अगर पेन नहीं हो रही दैट मीन्स उस जगह की पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो चुकी है, उस जगह की बिल्कुल जो नर्व्स हैं पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय होने की वजह से पेशेंट को पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। तो इन चीज़ों को आपने मजीद कहाँ से देखना है, रिकमेंडेड बुक है पहली एंड लव, ठीक है। Up till now, if you have any confusion,